लाहौल स्पीति के विकासखंड काजा के स्वयं सहायता समूह को पहली बार बोर्ड और दीवार लेखन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काजा विकासखंड की ओर से कुल्लू ब्लॉक में 26 जनवरी से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का आज अंतिम दिन है। प्रशिक्षण में डोलमा, माया, कालजंग, तेंजिन डोलमा हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुल्लू में बोर्ड लेखन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि विकासखंड काजा में सरकारी कार्य के बोर्ड होर्डिंग लिखे जाने में सहायता मिले। पहली बार काजा विकासखंड के महिला समूह को इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने पहुंची महिला माया का कहना है कि काजा विकासखंड में सरकारी कार्य में भारी दिक्कतें आती थी, ऐसे में उन्हें काफी मदद मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। बता दें कि विकासखंड काजा के दूरदराज के इलाकों में लेखन का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, ऐसे में अब महिलाओं के प्रशिक्षित होने से उन्हें अपना रोजगार भी मिलेगा और सरकार के कार्य में भी तेजी आएगी। जी, मेरा नाम माया है और हम चार आए हैं काजा से। काजा पंचायत से भेजा गया हमें, यहाँ पे हमें पेंटिंग करने के लिए भेजा गया है। तो हम यहाँ पे काफी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ सर ने सिखाया तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं, तो वापस जाके हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब हम वापस जाके हमारे पंचायत में बहुत सारे काम करेंगे और सबको सिखाएंगे, इससे हमें रोज़गार मिलेगा और हम घर में बैठकर ही काम करेंगे और बहुत सारा रोज़गार मिलेगा हमें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।